फुकहा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन तमाम उम्मत इस पर मुत्तफिक है कि जिसने वली या नबी को हयन मैयतन किसी दर्जे में भी गैबदान कहा उसने कुफर कर लिया, कुफर कर लिया। मैं अपने मकाम पर सैकड़ों हवाले लिखवाऊंगा इंशाअल्लाह होता जिल्द और सफ़े गिनवाऊंगा। ये तो इब्तदाइयात है और गैब का मसला अपने मकाम पर मुस्तकिल आएगा इंशाअल्लाह। तलबा इसमें मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की बवारिकुल गैब, मौलाना मंजूर नोमानी बहुत बड़े मुनाजिर थे देवबंदियों के, इतने जबरदस्त मुनाजिर थे कि बांस बरेली जाके अहमद रजा खान के शहर में उनके मदरसे में उनके शेखुल हदीस रहमतुल्लाह से मुनाजरे किया। देख ले आप फतेह बरेली का दिलकश नजारा, फतेह बरेली का दिलकश नजारा, बहुत बड़े मुनाजिर थे इमाम से मुनाजरे के मौलाना मंजूर नोमानी। उनकी किताब है बवारिकुल गैब, बवारिकुल गैब। और मौलवी अशमत अली जिसको बरेलवी सानी आला हजरत कहते थे मजहर अहमद रजा खान, उसके साथ सैलाने वाला ने मुनाजरा किया, सैलाने वाला पंजाब। उस मुनाजरे में मौलाना करमुद्दीन दबेर काजी मजहर हुसैन के वालिद मुतासर होके अहले अकीदा होगा, ये हकम थे बरेली की तरफ से। लेकिन जब मौलाना मंजूर साहब ने शेर बेशक को हिला दिया ना, और वो मुनाजरा इल्म गैब के नाम से शायद मुनाजरा इल्म गैब, इस मुनाजरे में काजी मजहर हुसैन के वालिद हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब दबेर, मौलाना करमुद्दीन साहब दबेर, वो बरेलियों की तरफ से हकम थे, लेकिन मौलाना मंजूर के दलाइल की तारीफ घर आके करते थे कि देवबंदी आलिम का तरीका मुहज्जब था, इल्म अजीम और वसी था, और बरेलवी की जबान लच्चर कच्चर थी। बार बार कहते थे मुझे तो मौली मंजूर के मुनाजरे से डर लगा कि हमने जो उलमाए देवबंद को गलत फहमी में बुरा कहा है गुनाह अजीम किया है। चुनांचे काजी मजहर हुसैन फरमाते हैं मैं समझ गया, वाले साहब की बातें सुनकर साबिया तक पढ़ चुके थे, तो मैंने वाले साहब से दरखास्त की कि अगर इजाजत हो तो दौरे हदीस दारुलूम देवबंद में कर लूं। उन्होंने कहा हाँ हाँ, मौलाना हुसैन अहमद साहब दौरे हदीस पढ़ा रहे, चलो। मौलाना करमुद्दीन ने मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी शेखुल इस्लाम के नाम खत लिखा कि मैं मशहूर जमाना बरेलवी आलिम करमुद्दीन दबेर किसी जमाने में ना समझी में मैंने उलमाए देवबंद के कुफर पर भी दस्तखत किए, मुझे अल्लाह माफ फरमाए। चंद महीने पहले हमारे करीब सैलाने वाला में देवबंदी और बरेलवी मुनाजरा हुआ, उसमें मैं बरेलवियों की तरफ से हकम था। मैंने देवबंदी मुनाजिर के दलायल और शान देखकर मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं अपने बेटे मजहर हुसैन को जनाब के यहां इल्म हदीस की तालीम दिलाओ। ये खत देवबंद गया, हुक्म ये था कि शेखुल इस्लाम का खत शेखुल इस्लाम जहां हो भेज दिया जाए। रमजान शरीफ का महीना था और शेखुल इस्लाम सिलहट में ठहरे हुए थे, हजरत रमजान सिलहट में गुजारते थे। खत वहां पहुंचा, आपने खत पढ़ा और दारुलूम देवबंद के शेखुल अदब जो नाजिम इम्तिहानात थे मौलाना जाजरी को लिखा कि पंजाब चकवाल के इलाके से मजहर हुसैन नाम का लड़का आएगा, बगैर इम्तिहान लिए दौरे हदीस में दाखिल करो। मौलाना जागरी साहब रोज आना दफ्तर खुलने के बाद तालिब इल्मों की तरफ जाकर पूछते थे मजहर हुसैन नाम का कोई लड़का है? जी नहीं है। कहे अच्छा जब आया बताना। दो तीन दिन गुजर गए, लड़कों ने कहा जी हजरत एक लड़का आया है, इसका नाम मजहर हुसैन है। कहा आओ। कहां से आए? चकवाल से। किसके बेटे हो? मौलाना करमुद्दीन के। जाओ ये फार्म भर के लाओ और तू पास है। शेखुल इस्लाम ने सिलहट से हुक्म दिया, कारी साहब ने साल भर दौरे हदीस किया, तातीलात में घर आए, वाले साहब को बताया सारे साल का
اگلے سال شوال میں والد نے حکم دیا دوبارہ جاؤ، ولی کامل روئے زمین پر حسین احمد ہے، جب تک حضرت زندہ ہو ہر سال دورہ کرتے رہو. قاضی مظہر حسین دوبارہ جائے، 41 اور 42 اور دور حدیث کر کے رمضان شریف شیخ کے ساتھ گزارنے کے لیے والد کے حکم پر سلٹ چلے گئے. حضرت شیخ نے بھی ساتھ رہا کہ تم سلٹ چلو. قاضی صاحب اپنے کائنات علم و عمل میں پختہ اور راسخ علماء میں سے، پختہ اور راسخ، آن بان ان کی اہل حق کی تھی، بڑے شان و شوکت کے بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش برسائے اور ان کی جلیل القدر خدمات حق کے لیے قبول فرمائے. یہ واقعات تقریباً حضرت صاحب کی کتاب آفتاب نبوت میں موجود ہے، جو ان کے والد کی کتاب قاضی صاحب نے شائع کی، خود شروع میں حضرت نے. تو مولانا منظور صاحب نعمانی کی کتاب ہے بوارق الغیب، علم غیب کے لیے وہ اصل ہے. اور تفصیل بریلوی ڈکوس لے اتھے دا گڑا دا بڑا دا، اس سے بچنے کے لیے امام اہل سنہ محقق الاثر فخر دیوبند حضرت شیخ مولانا سرفراز خان بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وکثر اللہ امثالہم واتباعہم وتقبل اللہ مسائیہم الجمیلہ لعلائے کلمت الحق ونشر السنہ وقمح الباطل، حضرت صاحب کی کتاب ہے ازالت الریب عن عقیدہ علم الغیب، انسائکلوپیڈیا ہے اس موضوع پر. ازالت الریب عن عقیدہ علم الغیب، یعنی عن عقیدت علم الغیب، انسائکلوپیڈیا ہے اس موضوع پر.